नमस्कार। हिंदी इतिहास का की इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूँ हमारे देश की एक ऐसी वीरंगना के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने शायद ही सुना होगा, मुला गफुरो। असम का अहोम साम्राज्य का एक ऐसी वीरंगना थी जिसके बहादुरी के कारण मुसलमान हमलावर मोहम्मद गोरी का सेनापति तुरवक को जंग हारना पड़ा और अहोम सेना के हाथ अपना जान खोना पड़ा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। सन 1527 तब अहोम साम्राज्य का राजा था छुहुंगमो। मोहम्मद गौरी के सेनापति तुरबक अपना सेना को लेकर असम आक्रमण करने आया था। तब तक असम को 5 बार मुसलमानों ने आक्रमण कर लिया था, लेकिन असम के बहादुर सूरवीरों के कारण मुसलमान सभी जंग हार चुके थे। ये इस देश के लिए इतने बड़े गौरव का बात था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने सिर्फ असम को अपना नहीं कर सका। जब तुरबक ने हमला बोल दिया, अहोम बरगोहाई फ्रसेनमुंग को खबर मिला कि जंग में खुनलुंग बरगोहाई अपना जान खो गया था। वो ये बात अपनी पत्नी मुला गफुरो को बताया। मुला गफुरो अहोम राजा सुप्रीम कन्या और एक युद्ध में कुशल वीरांगना थी। ये बात सुनकर उसने अपना पतिदेव को कहा कि असम का आकाश आज काले बादलों से घिरा हुआ है, जाओ स्वामी लड़ाई करो और शत्रु को जंग में हराकर इस देश से खदेड़ कर देश की स्वाधीनता को बरकरार रखो। मुला की इस वीरतापूर्वक बातों से बरगोहाई को साहस मिला। उसने बोला, तुम जैसे साहसी मूर्ति जिसकी पत्नी हो वो कभी डर नहीं सकता, पराजय के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुमने आज मुझे जो साहस दिया इसके लिए तुम्हारे नाम अमर रहेगा। मृत्यु या जिंदगी, इन दोनों से बड़ा है देशभक्ति। ये बात करते वो जंग में जाने लगा। मुला भी साथ में जाना चाहा, लेकिन स्वामी ने उसे मना कर दिया। उस समय असम का एक नियम था कि जो लोग जंग में जाएगा उसे अपना पत्नी एक कपड़ा देते थे, उसे बोलता था कबस कपूर। असम का नारी एक रात में ही उस कपड़े को तातशाल से निकाल कर देते थे। ये मानना था कि इस कबस अगर पति के साथ रहेगा तो युद्ध में वो हारेगा नहीं। लेकिन तब मुला के पास कपड़ा नहीं था और वो उस वक्त बना भी नहीं सकती थी क्योंकि तब वो रजस्व वाला थी। मुला के मन में आशंका फड़ी पड़ी, लेकिन उसने हेंगदंग लाके पति के हाथ में रख दिया। हेंगदंग एक युद्धास्त्र थी जो अहोम के सेना युद्ध में इस्तेमाल करते थे। फ्रसेनमुंग युद्ध में जाने के 7 दिन बाद जंग में उसकी मृत्यु हो गई। ये खबर सुनने के बाद मुला शोक में बेवल हो गया, लेकिन अगले ही पल में उसने ठान लिया कि वो अपना पतिदेव की हत्या का प्रतिशोध और जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए तुरवक से खुद लड़ने जाएंगे। उनकी इस सिद्धांत से अहोम सेना में नई जान आई। उसने आवाज़ दी, आज हेंगदांग लेके सब आगे बढ़ो, जन्मभूमि को शत्रुओं से रक्षा करना है। युद्ध में उसके साथ 3 और महिला योद्धा भी गया। उनके नाम था जयंती, पमिला और ललिता। 7 दिन तक भयंकर युद्ध करते करते उसने बहुत सारे मुसलमान सैनिकों का प्राण ले लिया था। 7 दिन के बाद मुला का सामना हुआ फ्रसेनमुंग का हत्याकारी तुरबक से। उसे देखते ही मुला शेरनी के जैसे गर्जन करने लगी और उस पर टूट पड़ी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई, लेकिन लड़ाई करते करते एक मुसलमान सैनिक ने उस पर पीछे से वार की। मुला गिर गई और देश के लिए अपना प्राण त्याग दिया। मुला के मौत देशभक्ति ने अहोम सेना में नई जान दे दी। वो लोग पहले से भी बड़ी हिम्मत और ताकत के साथ मुसलमानों का सामना किया और एक दिन मुसलमानों को हराकर कंचनमुंग बड़पात्र गुहाई ने तुरबक का सर धड़ से अलग करके अहोम राज्य में लेके आया और देश मुसलमानों से बच गया।
भोला का फुल का पति प्रेम और देश प्रेम नारी समाज के लिए एक शिक्षा है। तो ये था मुला गाभुर का कहानी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारी कहानी को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू। धन्यवाद।